जैन फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आप सबका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब जैसा कि आ गया है और आप सब मेहनत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए हम लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर दोस्तों प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको हम बताते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका जो यह मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आप सबका यह मॉडल पेपर ही आप सबको बताएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सब यहाँ पे देखिएगा 2021 और 2022 का। दोस्तों इससे आप सबको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सबका सेम सिलेबस था 2021-22 और दोस्तों इस वर्ष का सेम सिलेबस है 70% का। और दोस्तों यूपीएमएससी ने यही उठा के मॉडल पेपर दे रखा है अपने दोस्तों upmsp.edu.in पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों उन्होंने यह दे रखा है। तो आप सबको दोस्तों घबराना नहीं है, इसी को दोस्तों आप सबको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप सबको पढ़ना है, इसी तरह का आपका पेपर आएगा। तो वीडियो में दोस्तों लगातार बने रहिएगा, और आप सबका दोस्तों जैसा कि तैयारी चल रही है तो अपने दोस्तों तैयारी को भी परख सकते हैं, और दोस्तों अपना किस तरह से तैयारी करना है यहाँ दोस्तों आइडिया लीजिए, और दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए, और दोस्तों अपनी तैयारी बेहतरीन करिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी दोस्तों हम आप सबको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिए हैं, जाके वहां से डाउनलोड तुरंत कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, जैसे कि आप सबको हम यहाँ बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि आप सबका यह दोस्तों कितने मार्क्स का आएगा, तो 100 मार्क्स का आएगा ना, आप सबका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों, जिसमें आप सबको बता दें 15 मिनट, ठीक है, 3 आवर 15 मिनट आप सबको समय मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप सबको बता दूं कि 15 मिनट ओनली, हम दोस्तों फर्स्ट 15 मिनट की बात कर लें तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा, अलॉटेड, किस लिए अलॉटेड किया जाता है दोस्तों, तो आप सबको हम बता दें वह दोस्तों आप सबको बिल्कुल रीडिंग द क्वेश्चन पेपर के लिए दोस्तों वह मिलता है, यानी आप सबको पेपर पढ़ने के लिए शुरू का 15 मिनट मिलेगा दोस्तों, आप सब पेपर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, और दोस्तों आप सबके जनरल इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, कह रखा है कि ऑल क्वेश्चन आर दोस्तों कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन को आप सभी को करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, लास्ट ऑप्शन जैसा कि दिया गया है, मार्क्स आर दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप सबके जो क्वेश्चन है उन्हीं के जस्ट आगे आप सबका मार्क्स लिखा है। ठीक है, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो दोस्तों आप सबको घबराना नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको हम पूरा अच्छे से समझा देते हैं और बता देते हैं कैसे आप सबको करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आप सबको हम सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों, सेक्शन ए रीडिंग, दोस्तों यह एक प्रकार का जैसे कि आप सब देखेंगे पैसेज है दोस्तों, जिसमें कह रहे हैं कि यहां देखिएगा पैसेज को केयरफुली पढ़िएगा दोस्तों, यहां पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं नीचे दोस्तों, इस पैसेज के पढ़ने के बाद उनका आंसर देना होगा आप सभी को। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, जैसे कि आप देखेंगे सभी दोस्तों इसमें कितने, तो आप सब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ए से लेके दोस्तों बी सी डी और ई दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के हैं दोस्तों, तो आप सबके दोस्तों कितने मार्क्स हो जाएंगे टोटल, तो यहाँ 15 मार्क्स, यानी दोस्तों पहला जो पैसेज है वो दोस्तों आप सबको 15 नंबर देकर जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा पहला पॉइंट। तो दोस्तों आप सबको पैसेज को बहुत ही अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है, और दोस्तों बिल्कुल उसकी तैयारी करना है समझ के। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, और दोस्तों यहाँ पे सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों राइटिंग है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं राइटिंग है। अब दोस्तों इसमें देखिए, राइट एनी वन आर्टिकल, ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है, यानी 150, यानी 100 से 150 वर्डों में आप सबको क्या करना है दोस्तों, किसी एक टॉपिक पे, जो 3 टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक टॉपिक पे दोस्तों कोई भी आप सबको जो आता रहेगा उसी पे आप सबको क्या करना है दोस्तों, 100 से 150 वर्ड में दोस्तों आप सबको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप सबको बता दे 10 नंबर मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का है, आप सबको 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, चूंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही केयरफुली देखिएगा। इसमें दोस्तों कह रखा है राइट अ लेटर, ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल, यहां पे देखिएगा नेशनल डेली ऑफ द सो योर कंसर्न आर ग्रोइंग
यूज ऑफ, देखिएगा डिस्पोजेबल वायर्स। देखिए दोस्तों यहां पे जो दिया गया है इस पे लिखिए, या दोस्तों आप सबका सेकेंड दिया गया है इस पे आप सब अच्छे से दोस्तों लेटर लिख सकते हैं, किसी एक पे दोस्तों लेटर लिखना है। और दोस्तों यहां से आप सबको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा कि तीसरा नंबर जो आप सबका दोस्तों लेटर लिखना है वह भी 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेक्शन सी का, जो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है, क्योंकि दोस्तों यह भी आपका कितने मार्क्स का है दोस्तों, 10 मार्क्स का है। अब देखिए दोस्तों सेक्शन बी में क्या पूछ रखा है, सी में दोस्तों देखिएगा जरा, जैसा कि हम आप सबको यहां बता दें इसमें दोस्तों कई क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों यहां पे देखिएगा पहला क्वेश्चन, दोस्तों यहां पे 5 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन है, तो टोटल 10 नंबर हो जा रहा है। तो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों आप सबको है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप सबको करना है पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दोस्तों सब 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ई तक है, ठीक है, यानी दोस्तों 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, दोस्तों टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स हो गया। तो आई होप दोस्तों यहाँ भी समझ में आया होगा कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों आप सबका, चौथा नंबर क्वेश्चन, वह दोस्तों आप सबका 10 नंबर का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए दोस्तों आप सबके पेपर में कुल मिला के दोस्तों कितने क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों इसमें ईच क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, ध्यान दीजिएगा ईच क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, जिसमें दोस्तों यहां पे कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोस्तों जो है इन इनडायरेक्ट स्पीच में, दोनों दोस्तों किसी भी एक को, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप सबको चेंज करना है, ठीक है, किसी एक को। तो आई होप दोस्तों अभी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, देखिएगा दोस्तों आप सबका क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दोस्तों 5 नंबर का है, कितने नंबर का, तो आप सब यहां पे देख पाएंगे दोस्तों 5 नंबर का है जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप सबका 6 है, ठीक है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहां क्या रहा है, तो इसमें दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा क्या मिल रहा है दोस्तों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, 5 नंबर यहां से आप सभी को मिलेगा। दोस्तों यहां ट्रांसलेट करने के लिए जो पैसेज दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, तो आप सब इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, तो इसको आप सब अच्छे से करिएगा दोस्तों, डाउट होगा। और दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इसका, दोस्तों हम सोल्यूशन भी करा चुके हैं, ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से बताए हैं, तो आप सब उसको देख के अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। अब आए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी लिटरेचर, ठीक है। सेक्शन डी में दोस्तों आप सब देखिएगा बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, आप सबका दोस्तों पहला क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों आप सबका यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड 40 वर्ड्स। देखिए दोस्तों अबाउट 40 वर्ड्स में आपको लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन को। अब दोस्तों आप सबको बता दूं यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के, यानी तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 8 नंबर आप सबको मिलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए और बी दिया है, अब दोस्तों देखिएगा ए में आप सब देखेंगे तो दोस्तों इसमें 2 दिया है, पहला दूसरा, तो दोस्तों इसमें और करके दिया है, चाहे पहला करिए चाहे दूसरा, जो आपको आता रहे वही करना है। इसी तरह दोस्तों आप सबको बी में भी दिया है, चाहे फर्स्ट करिए चाहे सेकेंड करिए, ठीक है, और करके दिया है दोस्तों, कोई एक करना है, 4-4 नंबर का दोस्तों यह क्वेश्चन है, आप सबका पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड 80 वर्ड, ठीक है, यानी 80 वर्ड में दोस्तों आपको किसी एक का आंसर देना होगा। इसमें देखिएगा दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन दिया है ए और बी करके, ठीक है, तो किसी एक का आंसर देना होगा दोस्तों। यहाँ पे आप सबको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है, 7 नंबर मिलेगा, आप सब यहाँ पे अच्छे से देख देकर 7 नंबर पा सकते हो आराम से, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर मिलेगा। अब दोस्तों 3 क्वेश्चन जो है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक दोस्तों आप सब आराम से पढ़िए, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों आराम से पढ़िए, उसके बाद दोस्तों इससे संबंधित आपके दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, टोटल दोस्तों 6 मार्क्स यहां से मिलेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन
टू मार्क्स के, टोटल दोस्तों 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, जो दोस्तों आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसा है दोस्तों, इसमें कह रहा है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम पे आप सबको सेंटर आइडिया लिखना है, जो कि दोस्तों 4 नंबर का है। दोस्तों आप सबको हम बता भी दिए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, आप सब जाके वहां पे देखिएगा। दोस्तों कीपिंग क्विट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका मैंने करा रखा है, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों आपका सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दोस्तों यह भी आप सबको हम बताए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तीसरा आप सबका यहाँ पे दिया है आंट जेनिफर्स दोस्तों टाइगर्स, इसको दोस्तों आप सब यहाँ पर भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सबके 4 नंबर देना पड़ेगा, 4 नंबर मिलेगा दोस्तों, और केवल एक का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दोस्तों की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड, कितने दोस्तों अबाउट 40 वर्ड्स में। दोस्तों तो आप सबको 40 वर्ड में आंसर देना है। देखिएगा इसमें दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन, इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन दे रखा है, पहला और दूसरा, जिसमें दोस्तों आप सबको आर करके दिया, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, किसी एक का आंसर जो आपको आता रहेगा दोस्तों किसी एक का करना है। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिएगा बी नंबर में क्या है दोस्तों, किसी एक का दोस्तों आंसर देना है, इसमें भी दोस्तों आर करके दिया है, आपके पास ऑप्शन है, किसी एक का आंसर आराम से दे दीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का दोस्तों, जो आपका 12 नंबर का है, 12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 7 नंबर का है। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड, कितना 80 वर्ड्स, ठीक है, 80 वर्ड में किसी एक का आंसर देना है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों किसी एक का जब देना है तो दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे आपके पास। दोस्तों आपका कितना है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई किसी एक का आप सब आंसर आराम से बहुत ही केयरफुली दे देंगे तो आप सबको दोस्तों यहाँ पे कितना 7 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही मजा आया होगा दोस्तों। तो मजा आया हो तो दोस्तों एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा, इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों आप सब अपने मित्र यार में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो वहां तक अपने जहां तक दोस्तों इसका मंजिल है पहुंच सके, जिससे दोस्तों हर एक बच्चे का भविष्य दोस्तों उज्जवल यानी दोस्तों बहुत अच्छे हो सके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे दोस्तों बस लगातार जैसा कि बहुत इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आप सब पेपर में ऐसे ही जाएंगे तो आप सबका बहुत दोस्तों गलतियां हो सकती है, जैसा कि दोस्तों वहां पर आप सब टाइम मैनेजमेंट आप सबका नहीं हो पाएगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे रहता है, सारा दोस्तों आप सबको जो प्रॉब्लम होती है यही पे सॉल्व करके जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट होगा। वहाँ पे टाइम दोस्तों आप सबका जो 15 मिनट का है शुरू का वो दोस्तों बच जाएगा, ठीक है। तो आप सब दोस्तों आई होप बहुत मजा पाए होंगे तुरंत लाइक करिएगा और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जितना हो सके शेयर करिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता की जय।